दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 6 अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो 2018 में लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों जानने के लिए हमारे वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल सिंह और आप देख रहे हैं ओ मेरे यार टेक्निकल प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला अपडेट आता है वो है नोकिया की तरफ से। दोस्तों नोकिया अपने दो मोबाइल लॉन्च करने जा रहा है, नोकिया एज और नोकिया C9। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं पहले नोकिया एज के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको मिलता है 5.5 इंच का डिस्प्ले और जो इसका बैटरी होता है वो 3600 mAh का लिथियम आयन बैटरी होता है। और दोस्तों यदि इसके हाईलाइट की बात करें तो इसका जो मेन कैमरा होता है, जो बैक कैमरा होता है इसका, वो 23 MP का होता है और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 30 MP का होगा। और दोस्तों इसमें साथ ही साथ एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी आएगा। और अगर बात करें प्रोसेसर की तो दोस्तों इसमें ऑक्टा कोर का 2 GHz का प्रोसेसर होगा। और बात करें रैम की तो दोस्तों इसमें 3 GB रैम होगी। और दोस्तों साथ ही साथ इसमें एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोस्तों ये जो मोबाइल है वो फुली तरीके से वाटरप्रूफ होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं नोकिया के नेक्स्ट मोबाइल यानी कि नोकिया C9 की। तो दोस्तों ये मोबाइल है, इसके स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड V6.0 मार्शमेलो पे ये वर्क करेगा। और दोस्तों अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 820। और दोस्तों इसका जो रैम है वो 3 GB रैम रहेगा और इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 5.0 इंच रहेगा। और दोस्तों यदि बात करें कैमरे की तो इसमें कैमरा 16 MP का बैक कैमरा रहेगा और जिसमें LED फ्लैश रहेगा वो भी दो कलर के साथ। दोस्तों इसमें दो कलर के साथ आपको LED फ्लैश मिलेगा। और बात करें इसके फ्रंट कैमरे की तो दोस्तों इसमें 5 MP का फ्रंट कैमरा रहेगा। बात करें इसकी बैटरी का तो इसमें 4000 mAh का बैटरी रहेगा जो नॉन रिमूवेबल बैटरी रहेगा। तो दोस्तों ये था नोकिया के दो मोबाइल। अब हम बात करते हैं थर्ड मोबाइल के बारे में। तो दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट अपडेट आता है वो है मोटोरोला का Moto G6 Plus। दोस्तों अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो आपको इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर, 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज। और दोस्तों इसका जो बैटरी है वो रहेगा 3500 mAh का बैटरी। दोस्तों अगर इसमें बात करें कैमरे की तो आपको इसमें ड्यूअल कैमरे मिलेंगे, जो बैक कैमरा है वो ड्यूअल मिलेंगे आपको। 16 MP का एक कैमरा मिलेगा और एक कैमरा मिलेगा 30 MP का। और जो आपका सेल्फी कैमरा रहेगा दोस्तों वो मिलेगा आपको 8 MP का कैमरा। और दोस्तों ये जो है वो 8.0 ओरियो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट अपडेट आता है वो सोमी का MI7 मोबाइल की तरफ से। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन की दोस्तों बात करें तो इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर, 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज। अब दोस्तों अगर बात करें बैटरी का तो इसमें आपको 3800 mAh का बैटरी मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर 3 कैमरे मिलते हैं यानी कि बैक में आपको 2 कैमरे मिलेंगे जहाँ पर 16 MP का एक कैमरा रहेगा प्लस दूसरा भी 16 MP का रहेगा। और दोस्तों जो आपका सेल्फी कैमरा रहेगा वो भी 16 MP का रहेगा, मतलब कि 48 MP का आपको इसमें कैमरा मिलेगा। और दोस्तों अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 5.7 इंच स्क्रीन का डिस्प्ले मिलेगा। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें 7.1 एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार मोबाइल है दोस्तों, क्योंकि आज तक आपने ऐसा सुना नहीं होगा ऐसा फीचर ये मोबाइल लेकर आने वाला है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट मोबाइल है वो हवाई का P11 2018 है। दोस्तों इस मोबाइल में आपको 5 कैमरे मिलेंगे यानी कि दोस्तों बैक साइड आपको 3 कैमरे मिलेंगे और फ्रंट साइड आपको 2 कैमरे मिलेंगे। तो दोस्तों ये मोबाइल आज तक ऐसा 5 कैमरे वाला मोबाइल कभी आया नहीं और ये फर्स्ट मोबाइल होगा जिसमें 5 कैमरे आएंगे। वैसे तो दोस्तों 4 कैमरे वाला मोबाइल ऑलरेडी हवाई जो है वो लॉन्च कर चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट आता है, ये बहुत ही धमाकेदार मोबाइल है और इस मोबाइल का इंतजार सभी लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी इस मोबाइल का इंतजार बहुत टाइम से कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस मोबाइल का नाम है OnePlus 6। तो दोस्तों बात करते हैं यदि इसके स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 845 का प्रोसेसर और 8 GB रैम मिलती है यहाँ पर और 128 GB इसका इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और दोस्तों इसका जो बैटरी है वो 3500 mAh का बैटरी होता है। और अगर बात करें कैमरे की तो दोस्तों इसमें आपको जो बैक कैमरा है वो
23 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है रियर कैमरा, और जो आपका सेल्फी कैमरा है वो यहाँ पर दो कैमरे मिलते हैं आपको सेल्फी के लिए, वो भी 16-16 मेगापिक्सल की। तो दोस्तों अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों इसका जो ऐप तो दोस्तों इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है ओरियो V8 जिसपे ये वर्क करता है। और दोस्तों ये मोबाइल जल्दी लॉन्च होने वाला है और काफी धमाका करेगा और काफी लोगों का पसंदीदा बनने भी वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा दोस्तों अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।